हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो नॉर्मल व्लॉग से कुछ हटके है। आया तो मैं था व्लॉग शूट करने, बट आगे कुछ ऐसा दिख गया कि मैंने सोचा आप लोगों को ये सीन दिखाना बनता है। मुझे यकीन है आपने ऐसा कभी बनारस के घाट पर नहीं देखा होगा। जनवरी का ठंड की बात है, शाम लगभग हो चुकी थी और धुंध छाई हुई थी, विजिबिलिटी भी कमी थी। मैं आराम से नॉर्मल व्लॉग शूट कर रहा था, तभी कुछ आवाज़ आई। मुझे लगा कोई छोटी सी प्लेन होगी, बट ये स्टीमर बोट थी जो कि बहुत फास्ट स्पीड से मेरे डायरेक्शन में आ रही थी। तभी मैंने सोचा इसको तो रिकॉर्ड करना बनता है। शुरू में तो स्टीमर बोट सीधे चल रही थी, बट उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बोट का ड्राइवर तो ऐसे करतब दिखाने लगा कि मेरी हार्टबीट फास्ट हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, बट सब ठीक रहा। अंत भला तो सब भला। बट मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये पर्सनल बोट थी या कोस्ट गार्ड वाली बोट थी। मेरे साथ साथ और भी जितने लोग थे घाट पर, सब एक्साइटेड हो गए थे ये सीन देखकर, और सब बोलने लगे कि ड्राइवर को तो खतरों के खिलाड़ी शो में जाना चाहिए। बट एट द एंड जो भी हुआ, अच्छा लगा देखने में, और मेन बात तो ये सबका इन्जॉयमेंट हो गया। बट साथ साथ मानना पड़ेगा कि ड्राइवर तो बहुत ही एक्सपीरियंस था, वरना ऐसा करना बच्चों का खेल तो है नहीं। ये सब होने के बाद हम निकल ही रहे थे घर को, तभी देखा अलकनंदा क्रूज भी चलने वाली है, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे तो नदी के बीच में बहुत बार देखा था चलते हुए क्रूज को, बट रविदास घाट से चलते हुए कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों, बात करें अलकनंदा क्रूज की, तो ये आपको 84 घाटों का दर्शन करवाती है, जो कि रविदास घाट से लेकर राजघाट तक का है। ये मंडे से सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती है। तो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ऐसा वीडियो कभी बनारस में देखे थे या नहीं।